तो टिश्यू ग्रीन प्लान में आपका स्वागत है। जो आज बोनसाई हम जो बनाने जा रहे हैं वो है जेड बोनसाई। लोगों को लगता है कि ये बोनसाई नहीं है बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो काफी फैल जाती है, तो काफी बंदे इसको एनालाइज नहीं कर पाते और वो उसको नॉर्मली हैंगिंग में रखते हैं मतलब सालों साल। लेकिन जेड जो है वो बहुत ही अच्छा बोनसाई प्लांट है जिसका बोनसाई बना सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ट्राई किया था एंड इसमें मुझे सक्सेस मिली। आप देख सकते हैं ये बोनसाई कितने अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। सो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट है एक बोनसाई प्लांट की, तो सॉरी जेड प्लांट की जो बोनसाई की शेप ले सकता है। मैं कल नर्सरी गया था जो बिजवासन में है दिल्ली गुड़गांव रोड पे, वहाँ पर काफ़ी वेराइटीज थी लेकिन मुझे वो काफ़ी बड़े बड़े थे जिसमें ऑलरेडी बोनसाई बने थे, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज मुझे एक बोनसाई मटेरियल चाहिए था। तो ये वाला मुझे परफेक्ट मिल लगा एंड इसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे ये मेरा कटर है, सीजर है और एक कॉम्बिंग टूल होता है, वो मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये एक फोक से यूज़ करूँगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले दोस्तों ये है कि इसकी ये जितने भी इक्विपमेंट्स आप इनको थोड़ा स्टरलाइज कर लीजिए डिटोल वगैरह से, बिकॉज आप ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी बिल्कुल बेबीज की तरह ही होते हैं, तो हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप बार बार वही प्लांट्स मतलब वही सीजर और ये इक्विपमेंट्स सारे प्लांट्स पे यूज़ करते रहेंगे तो इससे वो उसमें फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और मेरे पास में ये इसके लिए वायर भी है, लेकिन ये वायर्स हैं जो एल्यूमिनियम और कॉपर वगैरह की होती हैं, बट वो मुझे ईजिली अवेलेबल नहीं थी, मतलब मैंने काफ़ी जगह पता करा तो वो मिली नहीं मुझे। सो मैंने ये एसी की दुकान से ये जहाँ पे एसी के इक्विपमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे ये एसी के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होती है, तो ये मैंने वहाँ से मैंने ये आइटम ले लिया था। सो होपफुली अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अगर इसकी मैं सॉइल की बात करूँ तो मुझे 10% के करीब इसका ये रबल्स हैं जो ईंट के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये मैंने आज ही टुकड़े किए हैं। और 25% के करीब मैंने ये रिवर सैंड जो बदरपुर बोलते हैं यहाँ पे, आप रेती भी ले सकते हो, तो आप देख सकते हैं ये रिवर सैंड है। एंड 25% के करीब मैंने इसकी में वर्मी कंपोस्ट लिया है और 20% मैंने कोकोपीट लिया, जो बाकी रिमेनिंग है वो मैं उसमें ये जेड प्लांट का ही जो सॉइल है मैं वो इसमें मिक्स करके इसको 100% बना लूँगा। एंड इसकी अलग एक रिक्वायरमेंट है जो है पॉट की, जो पॉट की हाइट आइडली इसकी हाइट कम होनी चाहिए। सो ये कम हाइट वाला पॉट मैंने लिया है, एटलीस्ट वन होल शुड बी देयर, एक होल इसमें ज़रूर होना चाहिए। एंड उसको ढकने के लिए मैं ये नॉर्मली मैं दिए यूज़ करता हूँ जो अच्छे, इससे क्या होता है पूरा ये कवर हो जाता है, तो मैंने ये उसके लिए इसको रिक्वायरमेंट इसके लिए लिया है। एंड आओ चलो दोस्तों तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं सबसे पहले इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर लेता हूँ जिससे ये आराम से ये पॉट में से निकल जाए, तो उसको निकालते हैं हम इसको। गाइज इसकी जो रूट्स होती है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये जो प्लांट है ये देखिए दोस्तों ये इसकी रूट्स है, काफी अच्छे से फैली हुई है। सो ये वाला जो इसका पार्ट है इसको हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी जो उसका फेस ऑफ दी जो बोनसाई रहेगा वो ये रहेगा। ये अच्छी है, इसकी शेप भी अच्छी है, रूट्स भी इसकी अच्छी है। सो ये मैं फोक के थ्रू इसको थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ। ये आराम से आप इसको ऐसे से मतलब ताकि आपकी ये रूट्स ख़राब ना हो, तो थोड़ा सा आप इजीली इसको निकाल लें। कॉम्बिंग टूल होता तो वो थोड़ा सा और इजीली इसको रूट्स को मतलब बाहर निकाल देता है, बट कोई नहीं, जो है उससे हम काम चला लेंगे। देखो दोस्तों उसको देता हूँ। सो गाइज अगर आप देख रहे हो इसकी थोड़ी सी जो रूट्स की थोड़ी साख थी, तो मैंने उसको हल्का सा मैंने अपने टूल से थोड़ा सा इसको मैंने लूज कर लिया, अभी मेरा थोड़ा सा लूज हो गया है। अब मैं इसको पूरा रूट्स को मतलब बाहर निकालने के लिए और मतलब मिट्टी को पूरा वो मतलब क्लियर करने के लिए मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा पानी में भी डाल सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा पानी मिट्टी करके मिट्टी सारी की सारी नीचे चली जाएगी। सो ये मैंने अपने पास पानी रखा हुआ है इसके लिए,
थोड़ा सा वो क्लियर हो जाता है उससे। अब तो अगर आप देखोगे रूट थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी विजिबल होगी, क्लियर होगी काफी। सो गाइज एक इसमें जो इसका एक सजेशन है या फिर एक जो टिप है वो ये है कि आपको थोड़ा रूट्स ना, जैसे अभी आपने पॉट देखा था वो काफी दबा के लगाते हैं, आपको इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको ऊपर रखना है जिससे इसकी जो बोनसाई लुक है वो प्रॉपर आएगी। सो गाइस थोड़ा सा बोनसाई के बारे में, सॉरी जेड के बारे में आपको थोड़ा सा मैं सजेशन थोड़ी सी दे देता हूँ। सो जेड जो है ये एक सकुलेंट प्लांट्स है जिसको धूप की रिक्वायरमेंट, नॉर्मली सकुलेंट प्लांट्स में धूप की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इसको धूप की रिक्वायरमेंट है काफ़ी। दिन में कम से कम 3-4 घंटे इसको रिक्वायर धूप चाहिए होती है, एंड इसके अंदर इसको पानी की भी रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसमें दे सकते हैं, और पानी और धूप इसको नॉर्मल रिक्वायर्ड है। सो ये इंडोर प्लांट्स, इसको लोग इंडोर प्लांट्स बोलते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट्स नहीं है, आप इसको रख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको दिन में 2-3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए इसको धूप देनी जरूरी है। सो आपको बाकी रात को रखना है तो इसको आप रख सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब अपना ये बोनसाई वाला। तो पहले इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम जो बाकी की जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको कट कर लेते हैं, जो जितनी भी हमारी स्टेम्स वगैरह हैं हम इनको कट कर, बिकॉज ये अगर आप देख रहे हो तो ये एक अलग ही शेप जा रही है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, मैं इसको कट कर लेता हूँ। है अगर आप चाहो तो आप फिर से इसको आराम से मिट्टी में किसी भी गमले में लगा सकते हो, तो ये इजीली फिर से ग्रो हो जाएंगे, प्रोग्रेशन इसका बहुत अच्छा होता है। कट करना पड़ेगा तो ये वाला भी मुझे कट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको पेड़ की लुक देने के लिए मुझे ये बाकी चीजें इसको कट करनी पड़ेंगी। अब मैं एक ये वाली जो है इसकी स्टेम, इसको मैं एक इसकी फर्स्ट रखूंगा। इसकी जो शेप है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको ऐसा बनाना वैसा बनाना, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें उसको आप वैसे कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने अभी हल्की फुल्की कटिंग कर दी है, बाकी मैं इसको पॉट में लगाने के बाद में इसको फिर से इसकी थोड़ी सी कटिंग वगैरह करेंगे कैसे इसकी जो शेप रहेगी। सबसे पहले मैंने इसमें होल में मैंने इसको डीए से फिल कर दिया, एंड देन ये जो मैंने रबर्स थे, ये ईट के टुकड़े हैं, ये मैं इसमें फिल कर देता हूँ जिससे वाटर ड्रेनेज इसका बहुत अच्छे से हो जाए। बिकॉज गाइज ये जो प्लांट है इसको ड्रेनेज सॉइल पसंद है, तो ड्रेनेज से मेरा मतलब है कि जिसमें पानी आराम से निकल जाए, पानी जमा ना हो, पानी जमा होता है तो वो जो हमारा जेट प्लांट है थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, पत्तियाँ झड़नी शुरू हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये मैंने इसको नीचे इसका बेस बना दिया, इससे इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड बाकी हम इसको थोड़ा सा जो मैंने मिट्टी मैंने मिक्स रखी थी इसमें मैं मिट्टी मिला देता हूँ इसका, और बाकी हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये मेरा इसको मैंने मिक्स कर दिया, तो ये मैंने सारा का सारा इसमें खाद और कोकोपीट और सैंड, और मैं ईंट के टुकड़े में ऑलरेडी डाल चुका हूँ पहले से ही। हेलो गाइस, तो ये हमारी मिट्टी थोड़ी तैयार हो गई है, और इसमें कोशिश करते हैं कि हम इसमें कोई लम्स ना हो, तो ये मिट्टी उट्टी को हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं जिससे ये मिट्टी का कुछ टुकड़े ना रहे, और डालते हैं इसको इसमें हमारे पॉट में। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर से इसको इसकी थोड़ी सी जो ये रूट्स थी मैंने हल्का सा मैंने ऊपर करके रखा है जिससे ये इसकी थोड़ा सा जो ये मोटाई है इसकी जो स्टेम की थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो। तो थोड़ा सा ये प्लांट जो था इतना अच्छा नहीं था बिकॉज ये थोड़ा न्यू प्लांट है, जैसे जो पहले वाले थे मेरे थोड़ा सा ये पुराने प्लांट जो कम से कम 1 साल पुराने होंगे, ये शायद 6-7 महीने पुराना प्लांट है, तो इसलिए इसका इतनी ज़्यादा ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इसको ही बोनसाई बनाएंगे, आज नहीं तो ये 6 महीने बाद अच्छी रूप देगा, बट देगा जरूर। तो ये हमने थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखा जिससे इसकी ये स्टेम्स वगैरह थोड़ी टाइट रहें। ये अगर आप देखते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा फिल कर दिया है पूरा मिट्टी से, इसे गिरे नहीं।
थोड़ा सा मैंने इसको प्रॉपर सेट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इसकी शेप हम शेप पे हम बाद में काम करेंगे। हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी ये जो बोनसाई है ये थोड़ा सा अच्छा सेट हो जाए, गिरे नहीं। उसके लिए थोड़ा सा इसको मिट्टी से मैंने पूरा फिल कर दिया है। अभी थोड़ा सा बोनसाई अपनी अभी गिरेगा नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मिट्टी से दबा दिया है। अब आप देखें तो मैंने इसकी जो ये जो स्टेम्स थी जो काफ़ी नीचे दबी हुई थी ये मैंने थोड़ी उभार दी, जिससे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे डेकोरेट करना चाहें वो आपकी अपनी अकॉर्डिंग है, जैसे चाहें। मैं इसको थोड़ी सी इसकी कटिंग वगैरह कर देता हूँ, मैं इसको रखूँगा एंड इसकी कटिंग कर देते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये। सो गाइस, ये हमारा जेड बोनसाई रेडी है। लास्ट की प्रूनिंग की वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं आई है, सो उसके लिए ये अपोलोजाइज। सो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लुक नहीं बोलूँगा, बट अच्छा बना है। अगर आप ऊपर देखें इसको तो मैंने कोशिश करी है कि कहीं पे भी मैं बहुत ज़्यादा लीव्स ना रखूँ। लीव्स ज़्यादा रखने से क्या होता है कि वो उसकी लुक प्रॉपर नहीं आती है। तो गाइज, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। जो ये वाली जो मेरे पहले वाली मेरी बोनसाईज हैं, आप इनको देखिए, बिकॉज इनकी स्टेम्स बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। सेम विद दिस वन, ये थोड़ा पुराने थे, इनके स्टेम्स अच्छी हो गई थी, मोटी हो गई थी। बट वेयर इज दिस वन, ये अभी थोड़ा सा न्यू प्लांट था, ये 6-7 महीने पुराना होगा। वेयर इज ये वाले जो दोनों थे ये साल के करीब कंप्लीट हो गए होंगे इनके। तो ये भी फर्क रहता है, आपका जितना पुराना होगा जितने स्टेम्स मोटे होंगे वो उतना अच्छा लगेगा। और हमेशा एक छोटी चीज़ का ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाइए, जिससे ये जो थिकनेस है ये अच्छी विजिबल हो पॉट के अंदर। और गाइज, जितनी भी आप स्टेम्स कट करते हैं उसको कोशिश कीजिए कहीं पे भी उसको वेस्ट ना करिए, और उसको किसी भी पॉट्स में, जैसे मैंने इस मेरे पास खाली पॉट पड़ा हुआ था, मैंने इसमें मैक्सिमम लगा दिए। बाकी जो भी जो जहाँ पे भी मुझे ऑप्शन मिली मैंने उनको स्टेम्स को लगा दिया, बिकॉज ये बहुत ईजली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप देखें तो मैंने ये स्टेम थी, इसको जो कटी थी उसको एज इट इज़ मैंने इसमें मिट्टी में लगा दिया, और ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद में अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। सो गाइज, वेस्ट मत कीजिए इन प्लांट्स को, जहाँ भी मौका लगे आप उसको सेट कर दीजिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तरीका यही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट तरीका यही है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।